हेलो गाइस, आप देख रहे हैं सीजर फॉर कार। मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ छोटा पैक बड़ा धमाका। तो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया की फर्स्ट हैचबैक ईवी सेगमेंट में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, मैं इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाला हूँ चिंटू मिंटू टियागो ईवी के बारे में। तो गाइस, आज अपन देखेंगे इस वीडियो के अंदर डिटेल में, इसका मैं वॉक अराउंड देने वाला हूँ, देखेंगे क्या स्पेक्स मिल जाता है, किस तरीके से अपने वो गाड़ी का लुक्स मिलता है और क्या क्या नए चेंजेस आए हैं इस टियागो ईवी में, अपन आज इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। हाँ, तो गाइस, सबसे पहले मैं लुक्स की ओर जाऊंगा। लुक्स में सबसे पहले आपको पुरानी टियागो से कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा, आपको सेम टू सेम लुक्स देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे आपको ब्लू एसेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि प्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक सेगमेंट के व्हीकल को। और सामने में आप देख सकते हैं कि डॉट ईवी करके यहाँ पे आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है, राइट। और यहाँ पे ग्रिल में एज वेल एज सेम टू सेम यहाँ पे आपको पूरा पैक्ड ग्रिल आपको देखने को मिलता है, और फ्रंट में यहाँ पे कुछ गार्निशिंग देखने को मिल जाता है ग्रिल में, जो कि काफ़ी कूल लग रहे हैं सामने से देखने में। और यहाँ पे आपको DRL देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे फ्रॉग लैम्प का प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। और मैं हेडलाइट की ओर आऊँ तो हेडलाइट में आपको यहाँ पे देखने को क्रोम फिनिशिंग मिल जाता है, प्लस यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर लैम्प और हाई बीम के लिए आपको रिफ्लेक्टर लैम्प हेलोजन दोनों को देखने को मिल जाती है, राइट। और फ्रंट में अपना टाटा का सबसे बड़ा लोगो यहाँ पे देखने को मिल जाता है इस तरीके से कुछ। और गाइस, आपको इस चिंटू मिंटू से टियागो ईवी में आपको रेन सेंसिंग वाइपर देखने को मिलता है। और साइड लुक्स की ओर आता हो तो साइड लुक्स में भी आपको एज वेल एज सेम वही टियागो का लुक्स देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे आपको भी साइड लुक्स में आपको डॉट ईवी की बैजिंग देखने को मिलेगी, और ORVM में आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल आपको इलेक्ट्रिकली ORVM देखने को मिलेंगे। बट जो भी चेंजेस हुए हैं अपने को टायर में चेंजेस हुए हैं, टायर के डिजाइन में चेंजेस हुए हैं। और टायर प्रोफाइल की बात करता हूँ तो 175/65R14 का आपको इसमें टायर प्रोफाइल देखने को मिल जाता है, राइट। और गाइस, ब्रेकिंग सिस्टम की मैं बात करता हूँ, फ्रंट में आपको डिस्क मिलते हैं, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं इसमें। ये हो चुका हमारा साइड प्रोफाइल, और यहाँ पे ऊपर में आपको ये अपना एंटीना देखने को मिल जाता है इस तरीके से कुछ। गाड़ी के डोर हैंडल्स में आपको यहाँ पे ब्लैक कलर की फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, कोई भी क्रोम फिनिशिंग आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। बट अब आ जाता है रियर में, रियर में आपको यहाँ पे मिलता है स्पॉइलर टाइप के, यहाँ पे ब्लैक कलर का फिनिशिंग आपको इसमें मिल जाता है। प्लस ये आपको रूफ देख सकते हैं, पूरा का रूफ आपको इसमें ब्लैक आउट मिलता है, आप इस तरीके से कुछ देख सकते हैं, है ना। और रियर लुक में सबसे पहले आता हूँ तो मैं यहाँ पे मेरे को वोकल फॉर लोकल की बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पे इस तरीके से कुछ। और रियर विंड में आपको यहाँ पे डिफॉगर का आपको ऑप्शन मिल जाता है, डिफॉगर प्लस वाइपर, और यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैम्प की आपको इंस्टॉलेशन देखने को मिल जाती है, राइट। अब आ जाते हैं टेल लैम्प की फिनिशिंग में, टेल लैम्प में आपको वही हेलोजन टेल लैम्प देखने को मिलते हैं, राइट। और यहाँ पे आपको बड़ी सी टियागो डॉट ईवी की बैजिंग देखने को मिल जाती है, प्लस ये अपना का क्रोम फिनिशिंग टाटा का लोगो देखने को मिलता है। और पहले वाली जो टियागो थी उसमें आपको फ्रंट से बूट ओपन का ऑप्शन मिलता था, बट अब यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकली इस तरीके से कुछ अपना बूट ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे रियर में की अगर बात करता हूँ तो रियर में आपको बैक कैमरा का इंस्टॉलेशन भी मिल जाता है कुछ इस तरीके से यहाँ पे। अब आ जाते हैं बूट की, और बूट में देखते हैं अपन, ये हमारा कुछ इस तरीके से बूट अपने को देखने को मिलता है, ओपन हो चुका है बूट। ये हमारा 240 लीटर का यहाँ पे अपने को बूट स्पेस अपने को देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे कोई भी आपको स्पेयर टायर का नहीं मिलता है ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे आपको उस जगह आपको यहाँ पे बैटरी पैक का आपको प्लेसमेंट मिल जाता है, बट आपको यहाँ पे टायर पंचर किट का ऑप्शन मिल जाता है। आप कोई भी, ये हमारा टायर पंचर किट का टायर मोबिलिटी किट आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ, हमारा ऑप्शन मिल जाता है, आप कहीं भी गाड़ी का पंचर खुद बना सकते हैं, ठीक है। ये हो चुका है ओके रिपोर्ट। और इस साइड भी सेम लुक्स आपको देखने को मिलते हैं, बट आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर का ऑप्शन मिल जाता है भाई, जो कि है कीलेस एंट्री देखने को मिल जाएगा, और इस यहाँ पे आप चाबी डाल के भी इमरजेंसी में ओपन कर सकते हैं इस तरीके से कुछ। इस साइड में भी आपको डॉट ईवी की बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है इसमें। और ये हमारा हो चुका है आउटर लुक, आउटर लुक में कुछ हमने देखा है टियागो ईवी के बारे में, टियागो के लुक्स के बारे में, जो कि एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल टियागो है उसमें क्या चेंजेस है और इसमें क्या चेंजेस है हमने इस टियागो में देखा। मेन जो है ये ब्लू एसेंट आपको रिप्रेजेंट कर देता है, देख सकते हैं कि ये है गाड़ी इलेक्ट्रिक में।
तो ये है भाई टियागो की चाबी, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। और ये पीछे टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है, इसमें आपको फॉलो मी हेडलाइट का ऑप्शन मिलता है, लॉक अनलॉक बूट ओपन, ये सारा कुछ इसमें देखने को मिल जाता है। तो ये रहा हमारा की ऑप्शन, और इस तरीके कुछ आपको देख के समझ आ ही गया होगा कि आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ पे पुश स्टार्ट स्टॉप भी दिया हुआ है इस गाड़ी में। ये जो मॉडल देखे, ये टॉप ऑफ द लाइन आप देख रहे हैं। ये आपको मैं बता दूं, ये दो बैटरी पैक के साथ आती है, एक 19.2 किलोवाट और एक 24 किलोवाट की बैटरी के साथ आती है, दो वेरिएंट्स में, ये जो कि टॉप ऑफ द लाइन है। इसमें आपको 24 किलोवाट का बैटरी मिल जाता है, जो कि आपको रेंज का बस डिफरेंस है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। रेंज में आप 19.2 किलोवाट की बैटरी आपको देखने को मिलती है, उसमें आपको 250 किलोमीटर तक का रेंज मिल जाता है। और 24 किलोवाट की जो बैटरी पैक आती है, उसमें आपको 315, मतलब मोटा मोटा 300 एवरेज में मान लेता हूँ, तो आपको उतना रेंज देखने को मिल जाता है, कंपनी जो क्लेम करती है उतना आपको देखने को मिल जाता है रेंज। तो गाइस ये हो चुका है हमारा आउटर लुक, अब चलते इंटीरियर की ओर। इंटीरियर में देखते हैं कि क्या अपने को लुक्स वगैरह मिल जाते हैं, क्या अपने को लोडेड फीचर वगैरह मिल जाते हैं इस चिंटमिंटू हैचबैक में। और भाई मैं इसको पर्सनली बोलूँ तो मैं इसको जरूर से ऑप्ट करूंगा, क्योंकि भाई आपको सिटी में कहीं भी आपको आसपास की लॉन्ग रेंज में आपको थोड़ा सा दूर में जाना है, तो ये गाड़ी आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है, क्योंकि आप 4-5 जन आराम से इस गाड़ी में जा सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। टाटा ने इस गाड़ी को लॉन्च करके भाई मार्केट में तहलका मचा दिया है, क्योंकि अब इंडिया की फर्स्ट पहली हैचबैक ईवी हो चुकी है टाटा टियागो ईवी। क्योंकि आपको जनरली देखिएगा, इस सेगमेंट में कोई भी आपको ईवी नहीं मिलता था, सीएनजी मिल जाती थी, पेट्रोल तो मिलती ही थी, बट आपको इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी देखने को नहीं होता था। बट अब इसमें लोगों को सेकेंडरी गाड़ी खरीदने का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि सिटी ड्राइव में आपको बड़ी गाड़ी की लेने की ज़रूरत भी नहीं है, इजीली सिटी में इसको ड्राइव कर सकते हैं, और आसपास थोड़ा सा 120, 130, 200 किलोमीटर तक आपको कहीं भी जाना है तो आप इस गाड़ी को ले सकते हैं। तो आइए गाइस अब चलते हैं अंदर की, और अंदर में देखते हैं क्या लोडेड फीचर वगैरह मिल जाता है अपने को। तो आगे गाइस अपन इंटीरियर में, सबसे पहले मैं चाबी को यहाँ पे प्लेसमेंट कर देता हूँ। तो देखते हैं गाइस, सबसे पहले इंटीरियर में को ब्लैक और बीच बोलूंगा मैं भी, थोड़ा सा हाँ व्हाइट की ओर मैं जाऊंगा। ब्लैक और व्हाइट में आपको यहाँ पे इंटीरियर डुअल टोन में देखने को मिलता है, और यहाँ पे डोर फिनिशिंग में आपको सब हार्ड टच आपको मिलते हैं। यहाँ पे छोटा मोटा बॉटल होल्डर्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका स्पीकर का प्लेसमेंट, यहाँ पे आपको ORM के आपके एडजस्टमेंट देखने को मिलते हैं, ये अपना क्रोम फिनिशिंग में डोर हैंडल। और चलिए अंदर चलते हैं, इसमें इंटीरियर में आ चुका हूँ। इंटीरियर में अब देखते हैं कि क्या क्या अपने को, सबसे पहले इंटीरियर में आते ही मेरे को यहाँ पे ब्लू एसेंट देखने को मिलता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है ईवी सेगमेंट की गाड़ियों को। और यहाँ पे देखने को मिलता है अपने को सबसे पहले 7 इंच का हरमन गार्डन सिस्टम के साथ डिस्प्ले, अपने को इंफोटेनमेंट देखने को मिलता है, जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, FM, ब्लूटूथ, और ये सारा कुछ अपने सपोर्ट करता है, नेविगेशन सपोर्ट करता है, ये सारा कुछ ये यहाँ पे देखने को मिलता है। और भाई मैं यहाँ पे आता हूँ तो सिंगल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पे अपना चार्जिंग USB चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पे अपना 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, ये अपने को देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप की वगैरह कुछ वगैरह फोन वगैरह इजिली रख सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं अपना गियर नॉब बोल सकते हैं कि रोटरी नॉब बोल सकते हैं, यहाँ पे अपने को लगा सकते हैं, ये अपना डायल जो है इसको N में करूंगा, D में करूंगा तो गाड़ी आगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि D में मैंने कर दिया, यहाँ पे रेडी टू गो है, D का ऑप्शन हो गया। और मैं घुमाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स मोड लग गया गाड़ी में, और ये अपना स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट हो गया। और इस तरीके से कुछ अपन देखते हैं रिवर्स लगा कर, रिवर्स देखते हैं तो अपना यहाँ पे ये अपना रिवर्स कैमरा चालू हो जाता है, देख सकते हैं, और ये अपना रिवर्स गाइडेंस के साथ आ जाता है, देख सकते हैं मैं स्टेयरिंग यहाँ पे मोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ अपने को गाइडेंस देखने को मिल जाती है, ये हो चुका है। और गाइस मैं टच की बात करूं तो यहाँ पे कोई भी आपको सॉफ्ट टच देखने को नहीं मिलता है, और सारा कुछ सारा हार्ड टच है ये। और यहाँ पे एयर बैग की बैजिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ पे दो एयर बैग आपको देखने को मिलते हैं, ये हमारा ट्विटर का प्लेसमेंट है, एक हो गया, दो हो गया, यहाँ पे
8 स्पीकर का आपको इसमें ऑप्शन मिलता है, मतलब 4 ट्विटर 4 स्पीकर का देखने को मिलता है आपको प्लेसमेंट यहाँ पे। प्लस ये हमारा ग्लोब बॉक्स की ओर आता है, तो ग्लोब बॉक्स में भी स्पेस काफी डिसेंट है यार, मस्त यहाँ पे अगर अपना फाइल वगैरह रख सकते हैं इजीली कुछ। और भाई अपने वो कूल ग्लोब बॉक्स यहाँ पे देखने को मिलता है इस वेरियंट में। अब यहाँ पे मैं आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि लेबरेट आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाती है। प्लस भाई आपको यहाँ पे ब्लू कलर की स्टिचिंग देखने को मिलती है भाई, ये देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू कलर की आपको स्टिचिंग देखने को मिल जाती है और ये सारा कुछ। और सेंट्रल कंसोल में आप देख सकते हैं कि हमारा हैंडबैग, ये दो कप होल्डर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बीच में भी आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलेगा, ये छोटा मोटा स्पेस आपको दे दिया गया है। और आईआरवीएम में देख सकते हैं कि कोई भी ऑटोमेटिक आपको आईआरवीएम नहीं मिलती, मैनुअली ऑपरेट करना पड़ेगा आपको। और सन प्रोटेक्टर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपना पेपर वेपर रख सकते हैं। यहाँ पे आपको माइक का इंस्टॉलेशन मिल जाता है। और को ड्राइवर में अपन देखते हैं कि हाँ मिरर का ऑप्शन मिलता है आपको, वैनिटी मिरर का, लाइटिंग नहीं है बट ठीक है, ये सारा कुछ है। और यहाँ पे सेंटर कंसोल में आप देख सकते हैं कि आपको एलईडी नाइट लैंप का इंस्टॉलेशन मिलता है भाई, इस तरीके से कुछ है ना। ये रहा अपना मामला, ओके रिपोर्ट है ये। अब आ जाते हैं भाई सारा का सारा मामला जो है यहाँ पे। सबसे पहले मैं स्टेयरिंग की ओर आता हूँ, तो स्टेयरिंग में मेरे को लेदर रैप स्टेयरिंग अपने को देखने को मिल जाता है। और स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स की मैं बात करता हूँ तो भाई यहाँ पे मेरे कुछ मीडिया के कंट्रोल्स, और इस साइड आप देख रहे होंगे ये क्या चीज का है भाई, इस सेगमेंट में भी मतलब टाटा ईवी में भी, टियागो ईवी में भी आपको क्रूज कंट्रोल दे रही है भाई, मतलब क्रूज कंट्रोल इसमें भी आपको देखने को मिल जाती है। ये है हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, देख सकते हैं आप, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देता है, प्रोवाइड करता है अपना ब्रेकिंग का रीजन। ये आपको 3 लेवल के ब्रेकिंग रीजन आपको मिल जाते हैं, ड्राइव रीजन, ये हमारा बताएगा रेंज, हमारा टेम्परेचर और ये अपना टाइमिंग, और ये अपना गियर डायल नॉब का यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये अपना क्या बोल देते हैं इलेक्ट्रिक चार्जिंग कितना है। ये हमारा अभी गाड़ी है 92% चार्जिंग है अभी इस गाड़ी में, तो मतलब 175 किलोमीटर तक का रेंज दिखा रहा है मोटा मोटा। हाँ, और भाई मैं सबसे भाई मेन चीज की अगर मैं बात करूँ तो आपका ड्राइवेबिलिटी के भी ऊपर डिपेंड करता है कि आपका गाड़ी कितना रेंज प्रोवाइड करेगा आपको। आप यदि हर वक्त स्पोर्ट्स मोड में लगा के भगा रहे तो आपको गाड़ी उतना जो कंपनी क्लेम जो करती है आपको उतना रेंज प्रोवाइड नहीं करे। ये हमारा ऑटोमेटिक वाइपर है, और ये हमारा हेडलैम्प के कुछ कंट्रोल्स हैं इस तरीके से कुछ यहाँ पे। और स्टेयरिंग एडजस्टमेंट अपन देखते हैं तो अपने को क्या मिल जाता है, ये अपने को टिल्ट है, टेलीस्कोपिक ऑप्शन नहीं मिलता है ठीक है। और गाइस देख सकते हैं आपके यहाँ पे जिप्ट्रॉन की बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है इस तरीके से कुछ यहाँ पे इसके कंट्रोल्स में। यहाँ पे आपको रीजन का ऑप्शन मिलता है, ये हमारा फॉग लैंप का ऑप्शन मिलता है, ये हमारा चार्जिंग कटआउट कट लॉक का मिलता है, ये हमारा बूट स्पेस ओपन करने का मिलता है, बूट को यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से राइट ठीक है। और गाइस सीट में आपको इसमें हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है, हाइट वगैरह कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे आप। और ये रहा अपना कुछ फ्रंट इंटीरियर का पार्ट, इंटीरियर हमारा हो चुका है, फ्रंट में हमने देखा क्या लोडेड फीचर टियागो ईवी में आपको प्रोवाइड कर रही है। ये एग्जेट प्लस लक्स वेरिएंट, आप इस वेरिएंट में आपको ये सारा कुछ मामला मिल रहा है। और इसके लोअर वेरिएंट भी आप लेना चाहते हैं तो इजीली ले सकते हैं, गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, बट गाड़ी एकदम टॉप नॉच है भाई। इस रेंज में आपको मतलब क्या ही बोलो, और क्या ही लोगे, मतलब फीचर दे रही है ना भाई गाड़ी में, मतलब जेन्युइनली आपको रिव्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ टाटा टियागो ईवी का, है ना, जो कि मेरे को पर्सनली अब तक की हैचबैक में मैं इतना लोडेड फीचर नहीं देखा भाई, मैं सच बता रहा हूँ। और ईवी सेगमेंट में तो आपको कोई है ही नहीं हैचबैक में इसके तो लोडेड है भाई, सच बता रहा हूँ। तो आइएगा इस चलते रियर की, और रियर में अपन देखते हैं कि आपको कितना स्पेस आपको मिल जाता है ना। और रियर की सबसे पहले यहाँ पे देख पाऊँ तो मैं ये मैंने फ्रंट सीट अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर दिया है, और यहाँ पे आपको काफ़ी डिसेंट स्पेस आपको मिल जाता है। बैकरूम में कोई भी थोड़ा सा भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और यहाँ पे बीच में भी हम आपको काफ़ी बड़ा नहीं मिलता भाई, मतलब यहाँ पे 3 एडल्ट आसानी से इजीली बैठ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और रियर में आपको इस साइड में देख सकते हैं आपको ट्विटर का प्लेसमेंट मिल जाता है, और बड़ा स्पीकर का कंपोनेंट का आपको यहाँ पे प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। और हेडरेस्ट की ओर आते हैं, हेडरेस्ट में आपको 2 ही हेडरेस्ट मिलते हैं, मिडिल में आपको कोई भी आर्मरेस्ट या हेडरेस्ट देखने को नहीं मिलता है। और सीट बेल्ट की ओर आता है तो आपको दोनों साइड आपको 3 सीट बेल्ट मिलते हैं, और सेंटर में आपको कुछ इस तरीके वाला सीट बेल्ट आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे कुछ पार्सल ट्रे रियर से कुछ आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी
यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी, सामान वामान निकालना तो यहाँ पे पार्सल ट्रे में रख के इजिली निकाल सकते हैं, राइट। तो गाइस ये हो चुका हमारा रियर पार्ट भी, अब चलते मेन पार्ट इसके गाड़ी के बारे में, जो कि सारा का सारा मामला किसका है, सारा का सारा मामला इसका है भाई, जो कि आपको मोटर प्रोवाइड करती है। मैं आपको बताने वाला हूँ कितना क्या इसमें आपको मिल जाता है, इस मोटर में क्या आपको प्रोवाइड करके देती है। तो ये है गाइस 24 किलोवाट की बैटरी के साथ जो आता है, ये अपना 55 किलोवाट जो प्रोड्यूस करता है, और इसके टॉर्क की मैं बात करता हूँ तो 114 Nm का इसमें टॉर्क आपको प्रोवाइड करता है ना गाइस। और इसके साथ जो 19.2 किलोवाट वाली जो बैटरी आती है उसके साथ आपको 45 किलोवाट की पावर मिल जाती है, और टॉर्क की मैं बात करता हूँ, टॉर्क में आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, उसमें आपको 110 Nm का टॉर्क देखने को मिलेगा। ये हो चुका है ना मोटर स्पेक के बारे में। हाँ, और मैं इसकी वारंटी की बात करता हूँ तो आपको इसमें 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है मोटर और बैटरी पैक में। और गाड़ी के व्हीकल की मैं वारंटी की बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे 1,25,000 किलोमीटर या फिर 3 साल की वारंटी आपको मिल जाती है इस गाड़ी में। तो ये गाइस अपना यहाँ पे चार्जिंग इनलेट, और यहाँ पे सबसे पहले चार्जर आपको ये मिल जाता है 3.3 किलोवाट का, 16 एम्पियर का जो इसमें चार्जर आता है, जो घर में आप इजीली पोर्टेबल चार्जर जो बोल सकते हैं ये आप यूज कर सकते हैं, और प्लस वॉल चार्जर आपको इसमें 7.2 किलोवाट का वॉल चार्जर भी मिल जाता है। और रही बात आपको चार्जिंग टाइमिंग की बात करता हूँ तो नॉर्मल चार्जर में आपको मैक्स टू मैक्स 8 घंटे की चार्जिंग आपको देखने को मिल जाती है, और फास्ट चार्जर में 0 to 80% आपको 2 से 3 घंटे के अंदर आपका फास्ट चार्जिंग में हो जाता है। ये हो चुका है हमारा टियागो ईवी का। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो में हमने देखा tiago.ev का पूरा वॉक अराउंड। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए बने रहिए सीजर फॉर कार्स पर, मैं आपके लिए अमेजिंग कंटेंट लेके आता रहूंगा, और मैं आपको और भी गाड़ियों का रिव्यूज देने वाला हूँ, बहुत ही जल्द अपडेट देने वाला हूँ सीजर फॉर कार्स पर। अगर आप नए हैं इस चैनल में जरूर से सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन दबाइए, मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार अमेजिंग कंटेंट लेके आता रहूंगा। थैंक यू सो मच।